हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज आप ये देख रहे होंगे कि मेरे पास आज फिर एक की है और आज हम एक और बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ द बाइक। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बाइक है, तो आपको बता दें कि रिसेंटली होंडा की तरफ से पाकिस्तान में 1-5 cc सेगमेंट के अंदर एक बिल्कुल नई बाइक मुतारफ़ करवाई गई है आवाम के, जो है अपना ना भरपूर डिमांड के ऊपर। तो इस बाइक का जो नाम है ये है जी होंडा 125S, होंडा CG125S। तो गाइज़, ये जो है हम बाइक का पूरा भी रिमांड लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज़ हम इस साइड से शुरू करते हैं। तो इसमें जो एक अच्छी चीज़ है जो होंडा ने इंट्रोड्यूस करवाई है, वो ये है कि इसके अंदर जो है आपको ये सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन दी गई है। उसके अलावा ये जो है आप मीटर जो है, ये भी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ गाइज़, ये आप मीटर भी देख सकते हैं। और उसके अलावा गाइज़, जो इसकी लेफ़्ट ग्रिप है, लेफ़्ट ग्रिप के अंदर जो है इन्होंने होंडा 125 डीलक्स की तरह के इसके अंदर जो है वो फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हेड लाइट को ऑन ऑफ करने का जो बटन है ये चेंज कर दिया गया है, और ये जो हेड लाइट को ऑन ऑफ अपना ये हाई लो का शायद बटन है, और ये हेड लाइट का ऑन ऑफ का बटन है, और ये भी है जो गाइज इसको उन्होंने डीलक्स की तरह का ही बना दिया है। और इसके अंदर जो आपको जो ये इंडिकेटर मिल रहे होते हैं, ये आपको इसके अंदर ऑटो इंडिकेटर मुतारफ़ करवा दिए गए हैं, और इसके नीचे आपको हॉर्न का बटन मिल गया है। तो अगर हम बाकी इसके अपना फीचर्स की बात करें, इसके अगर हम टायर से शुरू करें, तो टायर्स वगैरह जो है वो बिल्कुल सेम ही हैं। इसका जो अपना व्हील साइज़ है, जो इसके इंडिकेटर्स हैं, जो इसके अपना शॉक्स एब्जॉर्बर्स हैं, जो हेडलाइट है, जो इसके इंडिकेटर्स हैं, एवरीथिंग इज सेम। स्पोक्स टायर हैं। आगे जो इसको टायर दिया गया होता है वो आपको 17 इंच का टायर दिया गया है, और स्पोक टायर दिया गया है। और पीछे वाला जो इसका टायर है वो आपको जो है 16 इंच का दिया गया है। और इसके अंदर की जो हब है, जो इसके ब्रेक जहाँ पे लेदर इस्तेमाल किए गए हैं, वो भी इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कंपेरेटिवली पिछले 125 के मॉडल्स के नस्बत। और अगर हम इसके और फीचर्स की बात करें, तो और फीचर्स के अंदर जो इसको ये शॉक्स के ऊपर जो ग्लासियाँ आपको मिल रही होती हैं, जो कप्स आपको मिल रहे होते हैं, ये भी इन्होंने निकल के अंदर आपको दे दिए हैं। तो गाइज़, बाइक का एक और जो है वो पूरा लेते हैं वॉक अराउंड, ताकि आप जो है बाइक के जो गाड़ी के जो अपना डायनामिक्स हैं, जो आप बाकी की गाड़ी की जो बाकी की चीज़ें हैं उनको भी आप अच्छी तरह से देख सकें। गाइज, होंडा CG125 इस बाइक की जो प्राइस है वो आपको दी गई है तकरीबन 1,36,500 रुपए, और इसके अंदर एक और मॉडल आया है उसकी प्राइस है 1,34,500 रुपए। तो गाइज, जो 1,34,500 रुपए की बाइक है, उसकी जो ग्राफिक्स हैं, जो टैंकी के जो स्टिकर्स हैं, वो बिल्कुल 19 मॉडल की तरह सेम हैं। लेकिन जो जो ये वाला मॉडल है, इसके जो ग्राफिक्स हैं, ये उस मॉडल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज किए गए हैं। इस मॉडल की जो डिमांड है वो अभी तक ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये मॉडल जो है अपने सिर्फ एक सेल्फ स्टार्ट होने की वजह से, और अपने जो है ये टैंकी के जो ग्राफिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर आ रहा है। तो अभी गाइस हम जो है इसका आपको सेल्फ स्टार्ट भी ऑन करके दिखाते हैं, स्विच लगा के अभी हम सेल्फ को भी देखते हैं कि सेल्फ इसका कितनी देर में वो कैच करता है। अभी गाइस आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अभी ये 60 किलोमीटर बाइक रन हुई है। तो गाइज, ये हमने जो है आपको होंडा CG125S का साउंड भी आपको चेक करवा दिया, सेल्फ भी आपको ऑन करके दिखा दिया है। तो बाइक के बारे में जो है जो भी क्वेरीज हैं वो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको जो है बाइक के ग्राफिक्स किस तरह के लगे, और ओवरऑल जो है बाइक आपको किस तरह का लगा है, और कमेंट्स के अंदर मुझे लाजमी डिटेल के साथ बताइएगा। बाकी जो है बाइक अच्छी है, मार्केट के अंदर आने वाली बाइक है, और इसको लॉन्च करने का मकसद भी सिर्फ एक ही था कि जो बड़ी उम्र के अफराद थे वो किक की वजह से होंडा CG125 ख़रीदने से ग्रेज करते थे, लेकिन सेल्फ स्टार्ट की वजह से अब जो है 40+ जो अपना लोग हैं वो भी इसको चला सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो है सेल्फ का एक बहुत ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिट दिया गया है।
लेकिन जो मेरी अपनी ओपिनियन थी, मुझे लग रहा था कि सेल्फ स्टार्ट देने की वजह से इसके अंदर जो है अपना साउंड कम हो जाएगा, लेकिन साउंड अभी तक इसका वैसे का वैसे बरकरार है, उतना ही साउंड है इसका। और साथ इसके अंदर जो आपको 5 गियर्स भी दे दिए गए हैं। प्रीवियस मॉडल के अंदर आपको 4 गियर्स आते थे, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको जो है 5 गियर ट्रांसमिशन का जो है वो आपको सिस्टम मिल रहा होता है। तो इस बाइक की जो हॉर्स पावर्स हैं वो उससे कुछ पॉइंट यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादा हैं। जैसे कि पिछले मॉडल के अंदर 9.5 हॉर्स पावर मिलते थे आपको, लेकिन इसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपको 9.7 या अपना 9.5 हॉर्स पावर आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस, जो बाइक की फेयरिंग है वो एज़ कम्पेयर टू इसकी जो पिछली वाली बाइक है बिल्कुल उसकी तरह ही सेम है। तो ये था गाइस आज का रिव्यू होंडा सीजी 125S 2019 मॉडल का। तो कमेंट्स के अंदर मुझे आप लाजमी बताइएगा कि आपको इस बाइक का रिव्यू किस तरह का लगा। अल्लाह हाफ़िज़।